पाकिस्तान के पास फिर भारत ने दागी अपनी एक और खतरनाक मिसाइल। मात्र 24 घंटों में भारत ने किए अपने मिसाइल के 2 सफल परीक्षण। चीन और पाक में फैला मिसाइलों के धमाकों का तहलका। हर मौसम में दुश्मन के देश में मचाएगी तबाही ये मिसाइल। क्यों कर रहा है लगातार भारत अपनी मिसाइलों का परीक्षण? भारत की बढ़ती ताकत को देख अब डर गया है ड्रैगन। स्वदेशी हेलीकॉप्टर से भेदा भारत की नई घातक मिसाइल ने अपना लक्ष्य। आखिर क्या है इस मिसाइल की खासियत? कैसे किया भारत ने अपनी एक और खतरनाक मिसाइल का सफल परीक्षण? जहां एक तरफ पाकिस्तान ने अपने नए प्रधानमंत्री का ऐलान कर दिया है, तो वहीं अब भारत ने भी उनके स्वागत के लिए अपनी एक नई मिसाइल को पाक के नजदीक ही दाग दिया है। आखिर कौन सी यह मिसाइल है जो कि इस समय हेलीकॉप्टर और नाक के संयोजन से बनाई गई है? क्या भारत की इस मिसाइल से बजने वाला है दुश्मनों का बाजा? आखिर कैसे संभल पाएगा चीन, वह भी भारत की इस खतरनाक मिसाइल से? कितनी मारक क्षमता और कितनी तेजी के साथ इस मिसाइल को दुश्मन के ऊपर दागा जा सकेगा? कैसे होगा अब भारत में एक और नई मिसाइल का आगमन? आखिर कितनी सफल रही यह मिसाइल अपने परीक्षण के दौरान? क्या किसी देश को हुआ इस मिसाइल से नुकसान? क्यों पाकिस्तान का इमरान खान भारत की इस मिसाइल की तरफ घूर घूर कर देखने लगा है? क्यों अब पाकिस्तान को इस मिसाइल से हुए धमाके से खौफ लगने लगा है? नई तकनीकों व अपनी क्षमताओं से लैस यह मिसाइल भारत व भारतीय वायु सेना के लिए कितनी उपयोगी होगी, इसके बारे में अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको लगता है कि भारत की DRDO टीम देश की सुरक्षा के लिए बहुत सही काम कर रही है और अपनी मिसाइलों के जरिए सेना को और भी मजबूती प्रदान कर रही है, तो एक कमेंट DRDO और पूरी टीम की मेहनत के लिए जरूर लिखें और साथ ही जय हिंद लिखकर देश का हौसला बढ़ाते रहें। हाल ही में भारत की नई मिसाइल ड्रैगन की नाक में दम करके रखा हुआ है। जिस मिसाइल की हम बात कर रहे हैं उस मिसाइल का नाम है हेलिना मिसाइल। यह मिसाइल एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इस मिसाइल का नाम भी बेहद सोच समझ कर रखा गया है और इस मिसाइल के नाम में ही इससे संबंधित कई सारी बातें छिपी हुई है। हेली यानी कि हेलीकॉप्टर और नाग यानी कि नाग मिसाइल का ही एक घातक रूप। अब इससे भी अगर आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ तो आपको बता दें कि इस मिसाइल को केवल हेलीकॉप्टर से ही दागा जा सकता है जो कि अपने दुश्मन पर सटीक निशाना साधने में सक्षम है। और इस मिसाइल को नाग मिसाइल की तरह ही घातक बनाया गया है जो कि अपने दुश्मनों पर तेजी व पूर्ण क्षमता के साथ निशाना साध सकेगी। इस मिसाइल ने अपने परीक्षण के दौरान ही DRDO व भारत एवं भारत की वायु सेना का हौसला बढ़ा दिया। लेकिन इस मिसाइल को देख चीन को उसकी नानी जरूर याद आ गई। और अब जिस तरीके से इस मिसाइल के लिए यह कहा जा रहा है कि इसे भारत ने पाक के नए प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए छोड़ा है, तो अब इससे साफ है कि पाक के इमरान खान को कितनी खुजली हो रही होगी, इसका अंदाजा तो आप खुद ही लगा सकते हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से पाक की जनता इमरान खान को सत्ता से नीचे गिराने में सफल हो पाई है, वह वाकई काबिले तारीफ है। जिस देश में अभी तक इमरान खान अपनी मनमानी करता था और खुद को चीन के हिसाब से चलाता था, उससे पाक की जनता बेहद परेशान थी। और फिर इमरान खान ने चीन के साथ मिलकर जिस तरीके से भारत को परेशान किया था, उसे भी नहीं भूला जा सकता। लेकिन पाक के नए मुख्यमंत्री भारत के लिए किस तरीके से सही साबित होते हैं, यह आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। क्योंकि भले ही जो भी हो, लेकिन पाक की सत्ता का भारत के साथ जुड़ पाना आज के समय में बेहद मुश्किल हो चुका है, जिसे सही करने में काफी समय लग सकता है। लेकिन भारत हमेशा से पाक की जनता के साथ था और हमेशा ही वहाँ की जनता का हौसला भारत ने बढ़ाया है और आगे भी भारत इसी तरीके से पाक की जनता के साथ उनके हक की लड़ाई में खड़ा रहेगा। लेकिन पाक के इमरान खान के सत्ता से गिरने पर अगर आप खुश हैं तो वीडियो के लाइक बटन पर क्लिक करके अपनी खुशी का प्रदर्शन जरूर करें। लेकिन अब हम वापस आते हैं और बात करते हैं भारत की नई मिसाइल यानी कि हेलिना मिसाइल के बारे में। भारत की यह मिसाइल अपने 24 घंटों में किए गए दोनों परीक्षणों में सफल हो पाई है और इस मिसाइल को जल्द ही भारतीय वायुसेना में भी शामिल कर दिया जाएगा, जिसके बाद इसका इस्तेमाल दुश्मन और खासकर चीन के विरोध में किया जाना है। इस समय इस मिसाइल का परीक्षण राजस्थान की पोखरा रेंज में पाक के समीप ही किया गया है। भारत ने लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाके में भी हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल हेलिना के परीक्षण को सफलतापूर्वक करके चीनी सेना के सामने एक और मुश्किल
लड़ाई खड़ी कर दी है। हेलिना मिसाइल दुनिया की अत्याधुनिक टैंक भेदी मिसाइलों में से एक कही जा रही है। इस मिसाइल को स्वदेश में निर्मित थ्रू हेलीकॉप्टर से लक्ष्य पर दागा गया था। इस मिसाइल ने केवल कुछ ही देर में अचूक निशाना साधकर हर भारतवासी का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। अगर देखा जाए तो इस स्वदेशी मिसाइल की तुलना चीन की वायर गाइडेड HAA और पाकिस्तान की बार्क लेजर गाइडेड मिसाइल के साथ की जा रही है, जिसके बाद नतीजा यह निकलता है कि यह मिसाइल दुश्मन की इन दोनों मिसाइलों से ज्यादा घातक और सबसे ज्यादा ताकतवर है। इस मिसाइल ने अपने परीक्षण के दौरान सिमुलेटेड टैंक टारगेट को सफलतापूर्वक नष्ट कर उसके चिथड़े उड़ा दिए। जिस समय इस मिसाइल को दागा गया था तो उस समय यह अत्यधिक ऊंचाई वाली सीमाओं पर थी और इस मिसाइल के परीक्षण के दौरान रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO, भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना के वैज्ञानिकों की टीम भी वहां मौजूद थी। इस मिसाइल को इमेजिंग इंफ्रारेड से निर्देशित किया जाता है। यह घातक मिसाइल अपनी लॉन्चिंग से पहले लॉक ऑन मोड में काम करती है। DRDO के अधिकारियों का कहना है कि यह दुनिया के सबसे उन्नत टैंक रोधी हथियारों में से एक है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि लद्दाख जैसी कठिन परिस्थितियों में भी एक मिसाइल का सफल परीक्षण कर पाना वाकई बेहद काबिले तारीफ है। मिसाइल की मारक क्षमता 7 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक की है। हेलिना मिसाइल को हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली एक एंटी आर्मर मिसाइल के तौर पर देखा जा रहा है। हेलिना फायर एंड फॉरगेट मोड पर काम करती है, यानी कि दागो और भूल जाओ, और अपने इसी सिद्धांत के जरिए यह मिसाइल अपनी रेंज में आने वाले दुश्मन के टैंक को आसानी से तबाह करने की क्षमता रखती है। DRDO द्वारा विकसित इस मिसाइल ने अपने परीक्षण से भारतीय वायु सेना को अपना फैन बना दिया है। यूं तो यह मिसाइल पूरी तरह से कई खूबियों से लैस है, लेकिन हेलिना मिसाइल की एक खासियत यह भी है कि यह हर मौसम व दिन या रात के समय कभी भी अपने टारगेट को तबाह करने की क्षमता रखती है। इस मिसाइल से दुश्मन पर सीधे तौर पर और वो भी पूरी सटीकता के साथ निशाना साधा जा सकता है। इस मिसाइल को हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाता है, यही वजह है कि यह मिसाइल ऊपर से हमला करने में भी सक्षम है। इस मिसाइल के एयरफोर्स वर्जन को ध्रुवास्त्र के नाम से जाना जाता है। यह घातक मिसाइल एक तीसरी पीढ़ी की मिसाइल है जिसे दुश्मन देश की सीमा के टैंकों को तबाह करने के लिए विकसित किया गया है। इस मिसाइल में फायर एंड फॉरगेट और पैदल सेना के उपयोग के लिए शीर्ष हमले की क्षमता होगी और इस मिसाइल के जरिए दुश्मन को बिना जानकारी मिले ही यह सीधे अपने टारगेट पर हिट कर सकेगी। इस समय नाग मिसाइल का यह नया रूप काफी सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन यह मिसाइल अब चीन के गले की हड्डी बन चुकी है। इस मिसाइल को नैमिका HAL रुद्रा HAL लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के द्वारा लॉन्च किया जा सकेगा। आखिर आप भारत की वायु सेना में जल्द ही शामिल होने वाली इस मिसाइल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।